और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। शुभम लोनकर का भाई प्रवीण गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार। शुभम के नाम से प्रवीण ने ले ली थी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। शुभम लोनकर की तलाश कर रही है पुलिस। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में धर्मराज, राजेश कश्यप, गुरमेल बलजीत सिंह और शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर शामिल है। पुलिस अब फरार आरोपी शिवा गौतम, जिशान अख्तर और शुभम लोनकर की तलाश कर रही है। हत्याकांड में यूपी, हरियाणा के बाद पंजाब का भी कनेक्शन सामने आया है। खुलासे के मुताबिक आरोपी जिशान अख्तर पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। उसका असली नाम मोहम्मद यासीन अख्तर है। मुंबई में सभी आरोपी जिशान के साथ रह रहे थे और वारदात के वक्त जिशान ही तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था। हत्याकांड के बाद जिशान भी वहां से भाग निकला। 2 साल पहले 2022 में मर्डर डकैती के केस में जालंधर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल से छूटकर कैथल में गिरफ्तार आरोपी गुरमेल के घर गया था। वहीं सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़ते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी की तलाश के लिए मुंबई पुलिस एमपी पहुंची है। एक आरोपी की आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश में मिली है। ओंकारेश्वर, खंडवा, उज्जैन में आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मामले पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हो रहा है। रिमांड कॉपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र ही नहीं है। आरोपियों के तार कई लोगों से जुड़े हैं, यह खबर आ रही है। मुंबई पुणे में कई दिनों से शूटर रह रहे थे। लोकल लेवल पर कई लोग इनकी मदद कर रहे थे शूटर्स की। आरोपियों के पास से 2-2 फोन भी बरामद किए गए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड के लिए 8 वजह बताई हैं, जिसके मुताबिक पूर्व मंत्री की गोली मारकर हत्या करना गंभीर गुनाह है, उसकी पूरी जांच करनी है। आरोपियों ने कई लोगों के साथ मिलकर योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया। वारदात में जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया वो कहां से और कैसे लाए, इसकी जांच करनी है। आरोपियों ने जिस तरह से 6-7 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की, ऐसे में पता करना है कि उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां से ली। पूर्व मंत्री की हत्या क्यों और किसके कहने पर की, इसकी जांच करनी है। मृतक बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे, उनकी हत्या करने के पीछे का मकसद क्या है। गिरफ्तार और फरार आरोपी पिछले काफी दिनों से मुंबई और पुणे में रह रहे थे। स्थानीय स्तर पर इनकी कौन मदद कर रहा था। आरोपियों के पास से 2-2 फोन बरामद हुए, इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा था, उसकी भी पूछताछ करनी है। इसके अलावा पुलिस ने रिमांड कॉपी में बताया कि बाबा सिद्दीकी को पुलिस ने सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा कर्मी तैनात किए थे, जबकि वारदात के समय 2 सुरक्षा कर्मी साथ थे, तीसरा सुरक्षा कर्मी उनके साथ नहीं था। उसके बारे में भी जाँच की जा रही है। और बाबा सिद्दीकी को बीती रात मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजनेता और बॉलीवुड की हस्तियां भी पहुंची। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को रविवार रात राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। उन्हें मरीन लाइंस स्टेशन के सामने मौजूद बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाजा उठने से पहले घर के बाहर नमाज पढ़ी गई। इस दौरान उनके बेटे जिशान रोते नजर आए। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। वहीं अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सिद्दीकी के आवास पर गए थे। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।